गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं विकास सिंह सावंत आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ जंतर मंतर में, कनॉट प्लेस में। जंतर मंतर मैं दिखाता हूँ उसके बारे में। सबसे पास का जो बस स्टैंड है ये है पालिका केंद्र बस स्टैंड के सामने है। देखो ये जंतर मंतर, टिकट मैंने ले लिया है, टिकट 25 रुपये का है। ये हमने जंतर मंतर में एंट्री कर लिया। ये जयनगर अथवा जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 5 खगोलीय वेधशाला को निर्माण कराया था, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। जय सिंह की खगोल विज्ञान में विशेष रुचि थी। तो ये जंतर मंतर है, ये महाराजा जय सिंह द्वारा बनाया गया है। पीछे उनकी विशेष रुचि थी इन चीज़ों में। इस जंतर मंतर से मतलब समय का पता चल जाता है, समय का, मौसम का, इन चीज़ों का। तो देखिए, ये देखो, ये एंट्री बंद कर रही है। मतलब कहते हैं कि यहाँ से अंदर जाओगे तो पता नहीं चलेगा आप कहाँ से निकलोगे बाहर। मतलब जंतर मंतर इसी को तो कहते हैं, और रास्ता घूम जाओगे पूरा। एंट्री बंद कर रही है, ऊपर चढ़ने के लिए भी एंट्री बंद है, अंदर घुसने की भी एंट्री बंद कर रही है। एंट्री हर जगह बंद है, मैंने कहा था। अब इसके नीचे देखो पूरा गोल चक्कर है, एंट्रीज बंद कर रखी है। ऊपर चढ़ने का भी एंट्री बंद है, यहाँ से भी एंट्री बंद है। अब देखो सूरज की जब धूप पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ पर इस सीढ़ियों से समय का पता चल जाता है, प्लेनेट की दशा किस में होती है, यह उसका काम है। अब ये लगा लो कि उस टाइम महाराजा जय सिंह का मतलब कितना सोच लिया था उन्होंने इस चीज़ के बारे में, कि किस तरह से अब धूप से, मौसम से पता चल पाएगा कि समय क्या हो रहा है। ये था जंतर मंतर का। मैं जंतर मंतर केवल दिल्ली में नहीं, जयपुर में भी जंतर मंतर देखा होगा। जयपुर का जंतर मंतर भी मैंने देखा हुआ है, तो वो भी देख सेम ऐसे ही बना हुआ है।